ठीक हो गया जी। F3 दोबारा क्या किया, चैम्फर, वेयर इज द चैम्फर, दिस इज द चैम्फर। ठीक हो गया जी, हमारी सेटिंग सेव थी, वो भी ओके था, ओके कर लिया। एंटायर ऑब्जेक्ट ही हमने रखना है, चैम्फर ओनली नहीं करना चूज, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन हम एंटायर ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी जो जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको करेगा। डी सेलेक्ट किया F4 करके, देखा तो क्या हुआ, कैच हो रही है ना हाईलाइट, स्मूथनेस आ गई जिस तरह उसकी हाईलाइट आ रही है। ये दो तीन चीजें हमने अचीव कर ली, क्या हुआ, टेबल भी अचीव कर ली, टॉप भी अचीव कर लिया और ग्रुप भी अचीव कर लिया। फिलेट की बजाय चैम्फर दिया हुआ ना, हां चैम्फर, लेकिन चैम्फर उधर भी दिया हुआ, तो चैम्फर मेरा ख्याल है कर्व बनाता है और फिलेट जो है वो स्ट्रेट बनाता है, दोनों पर। हाँ, लेकिन हम चैम्फर से ही दोनों सेटिंग निकाल सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये भी आपने देखा था ना चैम्फर के अंदर, वो टेंशन जो उन्होंने दी हुई थी, टेंशन मॉड, टेंशन की ऑप्शन, उससे आप दोनों निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब मेरे ख्याल से मॉडल इस हद तक, ये वाली जगह जो है ना ये कम्प्लीट। अब हम आ जाते हैं इसको अनआइसोलेट करें, और उसके बाद हम जाते हैं इसके नीचे बेस की तरफ, कि ये बेस इसकी कैसे बनी। बेस भी दो तीन चीजों से बन सकती है, लेकिन एज यूजुअल हम लेट से ऊपर वाला जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है ना रेक्टेंगल, ये वाली जो शेप है इसी का हम फायदा उठाते हैं, इसकी कॉपी ले लेते हैं, कैसे, कंट्रोल बी मैंने आपको बताया था, सेम उसी जगह पे कॉपी लेनी है ना, शिफ्ट की से नहीं निकालनी आपने, आपने जस्ट सिंपल कंट्रोल बी प्रेस कर देना, उससे क्या होगा, जो भी आपकी शेप या ऑब्जेक्ट है ना वो एग्जैक्टली इन प्लेस वहीं पर उसकी कॉपी निकल आएगी। अब हम यहाँ से कॉपी चूज कर लेते हैं, कॉपी चूज किया, मॉडिफायर्स हमें नहीं चाहिए, एडिपोली भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इधर आ गए, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया, व्यू पोर्ट्स के अंदर आ गए सारे में, इसको हमने जी को जीरो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को आहिस्ता स्केल को नीचे लेके आते हैं और ऐसे थ्री पर बिल्कुल परफेक्टली उसके साथ जाके लाइन हो गया, हम इसको 2.9 कर लेते हैं। 2.9 अलबत्ता बहुत ज़्यादा फासला है, इस वक्त हमें देख के लग रहा है कि नहीं 2.9 बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, मैनुअली इन वर्टेसिस को थोड़ा सा 0.5 ऊपर कर लेते हैं, कैसे, वर्टेक्स में गए, वर्टेक्स सेलेक्ट किए और वाई अप में जाके थोड़ा सा मैंने ऐसे इसको ऊपर कर दिया। दूसरा तरीका, इधर आए, मूव टूल की सेटिंग खोल ली, ये वाई है ना, वाई अप ऐसे, ओह सॉरी वो उसके ऊपर काम कर रहा है, एब्सोल्यूट वर्ल्ड पे, हाँ व्यू हुआ, ओके मैं इसको वर्ल्ड कर लू, दोबारा मैं इधर आया, सेलेक्ट किया, वाई करो नहीं हो, ये मेरा ख्याल है एक्स पे भी नहीं होगा, ये जेड पे ही होगा, तो जेड भी होना है यार, मेरा जेड भी होना है। अच्छा मैनुअली इसको 2.9 है ना, 2.95, ठीक है हम इसको जाके 9.5 कर, डिस्टेंस बहुत थोड़ा रह गया, अब हमें फील हो रहा है कि हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है ना वो अचीव हो गया। एक हल्की सी थिन सी ग्रुप की लाइन आप देखें, ये हल्की थिन सी ग्रुप की लाइन जो है ना ये अब चलना शुरू हो गई। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हमने बनाने हैं इसके फीट, वर्टिसेस सेलेक्ट किए, इनको मैं सेलेक्ट करके ऊपर लेके जाता हूँ और लेट से मैं इस जगह पे ले आता हूँ, इसको एक इंच में ऊपर ले गया। अब दो तीन टेक्निक्स हो सकती हैं,
यार ये मुझे क्यों नहीं लग रहा बाहर, आप लोग कह रहे हैं बाहर है, मुझे नहीं है वैसे बाहर लग रहा, मुझे लग रहा है कि उसके ये जो पैनल बनाया ना हमने। सर जी, ये असल में कुछ शीट वगैरह लगी होती है इसके ऊपर अच्छा ना। हाँ जी, जैसे ये बना हो ना, इसके ऊपर हम कोई हाँ और शीट लगा दें तो वो शीट बाहर लग हो जाएगी। जाती है। चलो ठीक है, खैर अब इसी तरह देखें। अच्छा जो इसमें जो चैलेंज है ना, चैलेंज वो चैलेंज है इस शेप को यूं बनाना ऐसे। अब ये आर्क से तो बनना नहीं है ठीक है ना, ये स्प्लाइन से बनना है। इसको आपको मॉडल ही करना पड़ेगा पॉलीगन। अब दो तीन अप्रोचेज हो सकती हैं, या हम ऐसा करें कि एक, या नहीं बल्कि हम ऐसा ही करेंगे, हम एक अदद रेफरेंस गाइड लगाते हैं। कैसे? इस जगह से इस जगह तक एक आर्क बन रही है ऐसे, वो मैंने एक लगा ली आर्क, यो इसको मैंने ऐसे कर ली। मैं कौन से ये वाली आर्क बना रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इधर ले आऊँ ना, ये रिकॉर्डिंग भी अगर चल रही है ना, तो हमारी ये वाली आर्क है, इसको मैं एज अ रेफरेंस गाइड बनाने लगा हूँ। थोड़ा सा लेक्चर लंबा तो नहीं होगा, इसको स्टॉप करके कर लो।